मणिपुर के एक आईएएस अफसर ने बिना सरकार की मदद से गांव वालों के साथ मिलकर 100 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। कौन है ये आईएएस अफसर और उसने 100 किलोमीटर लंबी सड़क कैसे बना दी, चलिए जानते हैं। यह है मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पामे। जब पामे ने तुसेम और तमेंग लोगों के इलाकों का दौरा किया तो उन्हें पता चला कि गांव से शहर तक जाने के लिए लोगों को 4 से 5 घंटे पैदल चलना पड़ता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए पामे ने सरकार को कई बार अर्जी दी लेकिन उनकी अर्जी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद पामे ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क बनाने की ठान ली, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से मदद के लिए आह्वान किया। साथ ही उन्होंने खुद के 5 लाख रुपए भी डोनेट किए। धीरे धीरे उनके पास 40 लाख रुपए इकट्ठे हो गए लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए ठेकेदारों ने बिना पैसे लिए और गांव वालों ने बिना मजदूरी लिए सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया और उन्होंने मिलकर 100 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। गाइस बहुत सिंपल है, या तो आप सरकार के ही भरोसे बैठे रहो या फिर बदलाव का जिम्मा खुद उठाओ। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का एक ऐसा काला और शर्मनाक सच जो आज भी दुबई के शेखों को शर्मिंदा करता है। क्या है वो सच, चलिए जानते हैं। देखिए, $1.5 मिलियन की लागत से बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अंदर सीवेज सिस्टम यानी कि गंदगी ले जाने वाली पाइपलाइन की व्यवस्था तक नहीं है। चमचमाते बुर्ज खलीफा की यही समस्या सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है क्योंकि बुर्ज खलीफा के 163 मंजिलों पर रहने वाले लोगों का बाथरूम का पानी और टॉयलेट की सारी गंदगी शहर के किसी भी सीवेज सिस्टम यानी कि गटर से कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए हर रोज रात के समय ये गंदगी ट्रकों में भर भर के शहर के बाहर फेंक दी जाती है, जो वाकई शर्मनाक चीज है। बिल्डिंग के निर्माणकर्ताओं का यह मानना था कि बुर्ज खलीफा से निकली हुई गंदगी ट्रक में भरकर ले जाना सीवेज सिस्टम बनाने से कम खर्चीला होगा और इससे प्रोजेक्ट का खर्चा और बढ़ जाता, इसलिए उन्होंने सीवेज सिस्टम बनाया ही नहीं। लेकिन अब बुर्ज खलीफा की सीवेज सिस्टम बनाने की बात चल रही है जो साल 2025 तक तैयार हो जाएगी। वैसे गाइस आपको इफेक्ट सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जापान में कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो 6ठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। गाइस अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता। इसीलिए नेवर गिव अप।